हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वर्तिका गोयल। सो फ्रेंड्स, साइंस का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है। जहाँ तक मुझे रिव्यूज़ मिले हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो पेपर थोड़ा टफ आया था जैसे एक्सपेक्टेड था, क्योंकि बहुत डीप पेपर आया था। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जो मेरे पास जो पेपर है वो सेट नंबर 3 है, साथ में उसका कोड है 31/3/3। तो इन ये सब चीज़ें आप चेक कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेट सेम हो, बट क्वेश्चन जो है सेम हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसके साथ चलते हैं, देखते हैं सेक्शन नंबर ए पर चलते हैं। जैसे मैं आपको बताया था, टोटल 30 क्वेश्चन मिलेंगे आपको और 3 सेक्शंस में ये डिवाइड होगा। सेक्शन नंबर ए बुक को देख लेते हैं, जिसमें 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन है। जैसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नेम द साइक्लिक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, जो कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो सेकंड है वो एडवांटेज आपको बताना है ऑल्टरनेटिव करंट में ओवर डायरेक्ट करंट में। तो ये क्वेश्चन ईजी है, होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया होगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो एक आपको पैराग्राफ दिया हुआ है और उस पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो आपको ये पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है और उस पर बेस ये चारों क्वेश्चंस जो हैं करने हैं। सारे जो चारों क्वेश्चन हैं वो 1-1 मार्क्स के हैं। कैसा हुआ आपका ये पेपर, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये जो चारों क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से पैराग्राफ रीड करना है और उसके बाद ही आंसर करने हैं। इसके साथ जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी सेम है। एक आपको यहाँ पे ह्यूमन बॉडी के ऊपर पूरा एक पैराग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें फूड से रिलेटेड और जो इकोसिस्टम या कंज्यूमर प्रोड्यूसर वाले चैप्टर से रिलेटेड एक पैराग्राफ है, जिस पे बेस्ड आपको फिर से कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के हैं। सो पेपर जैसा कि देख रहे हैं हम, थोड़ा टिपिकल है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ऐसे क्वेश्चन जो है पहले एग्जाम में आए नहीं है, इस बार ये नए टाइप के क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड हुए हैं, जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया है साइंस में भी और उस पर बेस्ड जो है क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो अच्छे से जो जिसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, कंसेप्ट जिसके बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे, वही इन क्वेश्चंस को जो है कर पाया होगा, जहां तक मैं देख रही हूँ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 5 पर भी। ये भी सारे, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सेक्शन नंबर 1 है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 5 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सब्सिस्टेंस ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, राइट। अंडरग्राउंड वाटर से रिलेटेड मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था अपनी वीडियोज में। इसके साथ क्वेश्चन 6 जो है उसमें भी आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ए बी बी सी में, ए सी में और सी डी में। कम्बशन ऑफ इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। सो इसके आंसर्स जो है मैं जल्दी ही प्रोवाइड करूंगी। पेपर थोड़ा सा टफ था, हम कह सकते हैं टफ था, ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट टाइम इंक्लूड हुए हैं, बट कंसेप्ट अगर जिसके अच्छे हैं, समझ में आता है, तो वो इजीली इन क्वेश्चंस को जो है कर पाया होगा। इतना भी टफ नहीं लग रहा है जहाँ तक मैं देख रही हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, इसके साथ साथ आपको इनमें चॉइसेस भी मिली हैं काफ़ी सारी। जैसे इसमें आपको चॉइसेस मिली हैं, इसमें आपको रिएक्शन बतानी है, जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ईजिली आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन जो है सॉल्व करा होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें भी आपको एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसमें से डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं और इस पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है बनते हैं, राइट। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, हाँ, जैसे हमने एक्सपेक्ट किए थे उसी टाइप का क्वेश्चन पेपर है। इसी तरह से एजर्शन रीजन पर भी है, जैसे मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी, तो होप आप लोगों ने वो फॉलो किया हो, उसके बाद ही आंसर करा हो। जैसे कि 4 ऑप्शन है, इसके साथ 2 क्वेश्चन है, 13 और 14, 2 क्वेश्चन है। एक सोलर कुकर के ऊपर है और एक एस्टेरिफिकेशन के ऊपर है, राइट। एस्टेरिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड। इसके साथ आपको रीजन दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आप लोग टिक करके आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। 2 assertion reason के क्वेश्चंस जो हैं देखने को मिले हैं, सारे 1-1 मार्क्स के हैं। ये तो बात हुई सेक्शन नंबर ए की, जिसमें सारे क्वेश्चन जो हैं 1-1 मार्क्स के हैं। इसके साथ चलते हैं सेक्शन नंबर बी पर, जो कि 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, जिसमें शॉर्ट टाइप के आंसर हैं, जिसमें 15th का ए पार्ट देखते हैं। तो जिसमें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपको लिखना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसमें कुछ नया नहीं है, राइट। तो ये होप आपने किया होगा। और इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है, जिसमें आपको हीट जनरेटेड जो है वो हीट निकालनी है, और सारे डेटा इसमें अवेलेबल है, टाइम अवेलेबल है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है, उसके बाद कूलम आपको दिया हुआ है। तो ये इजीली जस्ट फॉर्मूला आपको पुट करना था और आंसर इसमें फाइंड आउट करना था। 16th क्वेश्चन पर चलते हैं। एक लेबल डायग्राम इसमें आपको बनाना है, रेडिस अपियरेंस ऑफ द सन एट द सनराइज और सनसेट,
एंड ऑल्सो व्हाइट अपियरेंस ऑफ सन एट नून व्हेन इट इज़ ओवर हेड. सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया था, बट इसमें 17th क्वेश्चन जो है वो ईजी था. स्ट्रक्चर इथेनॉल का बताना है और इथेनॉइक एसिड का बताना है. एंड वाई इज़ द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनॉइक एसिड कंसिडर्ड एट ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो ये वाला जो 17th क्वेश्चन था वो ईजी था, आपके बुक में से ही है ये. क्वेश्चन नंबर 18th पर चलते हैं. तो ये रिफ्लेक्स आर्क का एक डायग्राम आपको गिवन है, इसमें आपको चॉइस भी दी हुई है. तो ये पूरा जो डायग्राम हम कह सकते हैं आपकी एनसीईआरटी में से था. इसके अलावा जो इसमें जो चॉइस दी हुई है ट्रॉपिज्म पे और ऑक्सिन पे, ये जो है इंपॉर्टेंट था. इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 19 जो है टिंडल इफेक्ट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स एंड स्टेट 4 इंस्टेंसेस बाय ऑब्जर्विंग द टिंडल इफेक्ट. तो टिंडल इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. तो होप ये क्वेश्चन जो है आपने किया होगा, पूरे 3 मार्क्स का क्वेश्चन था ये. इसके अलावा 20 क्वेश्चन जो है डिफाइन द टर्म पॉलिनेशन एंड डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. अगर आपको पता हो, आपने देखी हो, तो मैंने लिस्ट दी थी आपको इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस की, जिसमें आपको सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन एक्सप्लेन किया था और बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है. सो ऐसा ही एक बिल्कुल सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है. होप आप लोगों ने किया हो, देखी हो वो वीडियो. इसके साथ जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसमें आपको एक चॉइस मिली है दो क्वेश्चंस में, हाउ वॉशिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट, और इसकी पूरी इक्वेशन आपको लिखनी है, टाइप ऑफ सॉल्ट बताना है एंड नेम द टाइप ऑफ हार्डनेस. तो ये क्वेश्चन ईजी है, ये आप लोग कर सकते थे. इतना मैं कह सकती हूँ सेक्शन नंबर बी जो है ज़्यादा टफ नहीं है. बहुत सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी पर बेस्ड है और काफ़ी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वही एग्जाम में. जैसे यहाँ पे 22 क्वेश्चन जो है ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें भी आपको एक रिएक्शन लिखनी है पूरा, आपको एक पूरी रिएक्शन के थ्रू आपको इसको एक्सप्लेन करना है. इसी के साथ क्वेश्चन 23 जो है वो आई वाले चैप्टर से रिलेटेड है, स्ट्रक्चर ऑफ आई से रिलेटेड है. 3-3 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस हैं, जैसा मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था. 24 क्वेश्चन आपको होमोलोगस स्ट्रक्चर बताना है, तो ये मैंने आपको डिफरेंसेस में बताया था होमोलोगस एनालोगस स्ट्रक्चर. तो ये थोड़ा इजी है, इंपॉर्टेंट है. सो होप आप लोगों ने किया हो. सेक्शन सी पर चलते हैं. सेक्शन सी जो है सारे क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के थे. तो एक तो आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम पूरा आपको ये बनाना था अपना, बिटवीन अगर ऑब्जेक्ट जो है ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. तो ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है. सो होप ये किया हो आपने. क्वेश्चन नेक्स्ट जो है उसमें आपको अच्छी खासी जो है इसमें चॉइसेस भी हैं, 5-5 मार्क्स के हैं, बट आपको इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसमें चॉइसेस मिली हैं. और ये जो क्वेश्चन आया है 5 मार्क्स का जिसमें आपको पूरा डायग्राम ड्रॉ करना है, तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है. मैं ये नहीं कह सकती कि आउट ऑफ द बॉक्स है या आउट ऑफ द सिलेबस है, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और ऐसा एक क्वेश्चन तो आना ही था, राइट. तो इसमें जो आपको चॉइस मिली है वो कॉनकेव मिरर में मिली है. सो क्वेश्चन 26 भी देख लेते हैं. एक बायोलॉजी का यहाँ पे एक क्वेश्चन है, लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑफ ट्रेट्स, राइट. तो ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, कोई न्यू क्वेश्चन नहीं है. एंड व्हाई आर द ट्रेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग ह्यूमन लाइफ टाइम ऑफ इंडिविजुअल नॉट इनहेरिटेड, राइट. तो ये 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन हैं. इसके साथ 27th क्वेश्चन जो है उसमें भी आपको चॉइस मिली है. इसमें आपको स्टोमेटा लिखना है और गैस लिखनी है. तो स्टोमेटा मैंने आपको अच्छे से बताया था, इंपॉर्टेंट करके बताया था. इसके अलावा इसमें जो चॉइस मिली है वो पूरा डायग्राम आपको ड्रॉ करना है एलिमेंट्री कैनाल का, लेबल डायग्राम ड्रॉ करना है जिसमें आपको गॉल ब्लैडर शो करना है, पैनक्रियास, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन. तो ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी और रीजंस बताए थे कि वाई एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड अकर मेनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन. इसका आंसर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विलाय. विलाय मैंने आपको बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट करके मैंने बताया था. तो वीडियो अगर आपने देखी और आप क्वेश्चन करके आए हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट. सो इस तरह से जो पेपर था वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में था, राइट. क्वेश्चन नंबर 28 आप देख रहे हैं, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. ये मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर में से है, ओट्स वाले चैप्टर में से है. सो आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल इसको और केमिकल इक्वेशंस के थ्रू इसको सॉल्व करना था. 29th क्वेश्चन जो है वो पीरियोडिक टेबल आपको यहाँ पे दी हुई है, और इस पीरियोडिक टेबल पर बेस्ड आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ये जो 5 क्वेश्चन है 1-1 मार्क्स के हैं. इस तरह से क्वेश्चन पूरा 5 मार्क्स का है. सो इसमें एक चॉइस भी मिली है जिसमें आपको एटॉमिक साइज डिफाइन करना है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशंस देनी है. सो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 29 का जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था वो ईजी था, होप आप लोगों ने किया हो. तो पेपर कैसा था प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए. इसके सॉल्यूशन भी मैं आपको जल्द से जल्द एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी. सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जैसे
पेपर जो है ऑब्वियसली सेक्शन नंबर ए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, जो कि हमें पता था कि आएगा, बट जो सेक्शन नंबर सी है और सेक्शन नंबर बी है उसमें काफ़ी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड आए हैं. सो ऐसा नहीं हम लोग कह सकते कि पूरा पेपर जो है वो एनसीईआरटी में से नहीं आया, बाहर से आया, क्योंकि काफ़ी लोगों के रिव्यूज़ मैं सुन रही हूँ, वो सब उनका पेपर जो है अच्छा नहीं हुआ है. सो आप लोगों का पेपर कैसा हुआ है कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, कौन से क्वेश्चंस आपने किए हैं, सब चीज़ें, और कितने मार्क्स आप आउट ऑफ 80 एक्सपेक्ट करते हैं वो भी आप ज़रूर बताइए. 30 क्वेश्चन है वो मैग्नेटिक फील्ड से है, जिसमें आपको पैटर्न जो है वो एक्सप्लेन करना है मैग्नेटिक फील्ड्स का. सो पेपर ऑन द होल जो है जैसा एक्सपेक्टेड था, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी था, तो हम कह सकते हैं मॉडरेट पेपर आया था, ना ज़्यादा इजी आया था ना ज़्यादा टफ आया था. सो आपका पेपर कैसा हुआ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए. इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर. हेलो फ्रेंड, दिस इज वर्तिका गोयल.